तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दे रखा है, इफ द वर्टिसेस ए बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर दिस टाइप रिस्पेक्टिवली देन दी फाइंड द एंगल ए बी सी। तो यहां पे हमसे कह रहा है कि एक ट्राइंगल है, इस तरह से हम मान लेते हैं कोई ट्राइंगल ए बी सी, और इसमें एंगल ए बी सी क्या होगा, ये ए बी सी यानी ये वाला। तो हमसे यही एंगल पूछ रहा है कि ये एंगल क्या होगा। आगे हिंट दे रखी है, एंगल ए बी सी इज एंगल बिटवीन द वेक्टर बी ए एंड बी सी। तो ये जो एंगल है ये किसके बीच का एंगल होगा, बी ए ये वाला वेक्टर होगा बी ए, और ये वाला वेक्टर होगा बी सी, इन दोनों के बीच का ये एंगल होगा। अब हमें क्या करना है कि बी ए और बी सी निकालना है, और एंगल का हम जो है फार्मूला जानते हैं क्या होता है, बी ए डॉट बी सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी कॉस थीटा। इसका इस्तेमाल करेंगे और हम एंगल फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे पहले तो हमें बी ए और बी सी निकालना है। तो बी ए कैसे आता है, सॉल्यूशन बी ए जो होता है वो होता है ओ ए माइनस ओ बी, यानी ए का पोजीशन वेक्टर बी के पोजीशन वेक्टर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ए का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, यहाँ पे बस हमें आई जे के लगाना होता है, यानी आई प्लस टू जे प्लस थ्री के, माइनस इसका क्या होगा, माइनस का आई प्लस जीरो जे जे प्लस जीरो के, इस तरह से ये हो जाएगा आई प्लस टू जे प्लस थ्री के। यहाँ पे माइनस अंदर ले जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आई, और ये पूरे जीरो हो गए तो उनको हम लोग नहीं लिखेंगे। ये हो जाएगा टू आई टू जे थ्री के, इस तरह से आ गया। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, बी सी। बी सी वेक्टर कैसे निकालेंगे, ओ सी माइनस ओ बी। अब यहाँ पे ओ सी क्या होगा, ये सी वाला जो पॉइंट है इसमें आई जे लगा देना है, तो ये हो जाएगा जीरो आई प्लस जे प्लस टू के, इस तरह से माइनस, एक्चुअली ये ओ सी था तो यहाँ पे वन टू, ठीक है। अब ओ बी यानी इसमें लगा देंगे तो ये हो जाएगा आई प्लस जीरो जे प्लस जीरो के, इस तरह से ये वाला वेक्टर जीरो हो गया, प्लस जे प्लस टू के, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस आई, और बाकी ये जीरो हो गए, तो इसको लिख देंगे हम आई प्लस जे प्लस टू के, इस तरह से हमने फाइंड कर लिया। अब हमें इनके बीच का एंगल निकालना है, तो पहले हम इनका स्केलर प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, बी ए डॉट बी सी क्या आएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे यानी टू, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि फिर टू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि सिक्स, तो इस तरह से आ गया ये। और ये क्या हो जाएगा, टू प्लस टू फोर, फोर प्लस सिक्स टेन, तो ये आ गया टेन, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी ये क्या आएगा, इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर और उनका सम, इसका स्क्वायर हो जाएगा फोर प्लस फोर प्लस नाइन, इंटू इसका मैग्नीट्यूड वन प्लस अंडर रूट लगा के वन प्लस इसका स्क्वायर वन इसका स्क्वायर फोर, और इसको अगर हम देखें तो ये आ जाएगा फोर प्लस फोर एट, एट एट सो सिक्सटीन, वन नाइन सेवनटीन, तो ये आ जाएगा अंडर रूट सेवनटीन, ठीक है। और इसमें क्या आएगा, ये हमारा वन प्लस वन टू, टू प्लस फोर सिक्स, तो ये आ जाएगा अंडर रूट सिक्स। अब यहाँ पे इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो अंडर रूट सिक्स इंटू सेवनटीन, और ये आएगा 102। तो अब हम यहाँ पे इसका इस्तेमाल करेंगे, इससे अगर हम देखें तो कॉस थीटा क्या आएगा, स्केलर प्रोडक्ट अपॉन दिस, और ये हमारा प्रोडक्ट क्या आया है 10, तो 10 ऊपर लिखेंगे, और इनका मल्टीप्लीकेशन क्या आया है अंडर रूट 102, इसको हमने नीचे लिखा। यहां से अगर हम देखेंगे तो एंगल क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स 10 अपॉन अंडर रूट 102, ये ठीक है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समाप्त, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस, आज के लिए बस इतना ही।